दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक अपडेट आ चुका है और ये एक आदेश है। जी हाँ दोस्तों, ये जो केस संख्या है ये 94/16/2019 का है। अब आपको बता दें कि ये जो केस किया गया था सत्येंद्र कुमार ओझा के द्वारा किया गया था और यहाँ पर ये याचिकाकर्ता बने थे और वो सत्येंद्र कुमार ओझा बनाम राज्य सरकार और अन्य के लिए परिप्रेक्ष्य में ये 4 मार्च 2024 को पारित आदेश के आलोक में इसको निर्गत किया गया। अब इस चीज़ को समझिएगा कि केस था क्या, आखिर इसके मैटर क्या था और अब यहाँ पे किसको बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, ये जो अपडेट है, ये याचिकाकर्ता जो है इनका कहना है कि जो नियुक्ति निकाली गई 2014 में, अब आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्ती का जो प्रक्रिया है वो साल दर साल उसका नियमावली बदलता रहा है। तो 2014 के दौरान जब नियुक्ति किया गया तो उसमें 2012 का नियमावली था, नियमावली 2012, जिसमें कि पंचायत लेवल पे आप लोगों का सिलेक्शन होता था, नगर निकाय पे सिलेक्शन होता था। तो उसी स्थिति में यहाँ पर इनका कहना है कि हमारे जो नियुक्ति हुई है वो 2014 में हुई है, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 के अंतर्गत, जहाँ पे अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में, यानी कि अप्रशिक्षित किसको कहते हैं, देखिए बीएड हो गया या डीएलएड हो गया, ये आपका प्रशैक्षणिक योग्यता होता है। तो ये अगर आप नहीं भी थे तो उसको हम लोग अप्रशिक्षित बोले। तो अगर आप अप्रशिक्षित शिक्षक थे तो आपका भी नियुक्ति लिया जा रहा था, वहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि आप बीएड डीएलएड किए हैं तभी आप आइए। बाद में फिर आप लोगों को कहा गया कि आप लोग बीएड या डीएलएड कर लीजिए, लेकिन इनका था, इनका ऑलरेडी बीएड किए हुए थे जो कि यहाँ पर सत्येंद्र कुमार ओझा जी हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इनका नियुक्ति 2014 में हुआ है, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 के अंतर्गत। अब इसमें क्या हुआ है कि ये जो कहाँ से थे, तो ये आपको बता दें कि ये पैगंबरपुर पंचायत से संबंधित हैं, प्रखंड इनका सिमरी था, जिनकी नियुक्ति वहाँ पर की गई थी। ठीक है, नियुक्ति के पहले, और ये प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे, ठीक है, तो नियुक्ति के पहले ही वे वर्ष 2008 में अपना बीएड की प्रशैक्षणिक उपाधि प्राप्त कर चुके थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी बीएड स्टूडेंट थे, इनका नियुक्ति 2014 में हुआ, इनका उन्होंने 2008 में अपना जो है बीएड कंप्लीट किया था। नियमावली के प्रावधान के अनुरूप अगर देखिएगा तो एनआईओएस द्वारा आयोजित 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है ये भी उत्तीर्ण कर चुके थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये था इनके साथ कि ये बीएड भी थे और प्लस यहाँ पर 6 माह का इन्होंने एनआईओएस के जरिए अपना ब्रिज कोर्स भी कर लिया था। अब देखिए, याचिकाकर्ता का यह भी कथन है कि जो आपका 6 महीने का ब्रिज कोर्स है, उत्तीर्णता की तिथि 11 जून 2019 से प्रशिक्षित का वेतन प्राप्त हो रहा है, यानी कि 2019 से ही इनको वेतन दिया जा रहा है। जो लोग ब्रिज कोर्स 6 महीने का कर लिए हैं उनको दिया जा रहा है, ठीक है, 11 जून 2019 से ही प्रशिक्षित यानी कि बीएड प्लस इन्होंने 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स किया है उनको दिया जा रहा है। जबकि एलपीएस संख्या 2013 वाला जो था 1699, उसके अपीलकर्तागण के सदृश में उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि जो है लास्ट दी गई थी कि 22 जुलाई 2014 से प्रशिक्षित का वेतन मिलना चाहिए, जो कि एक और केस हो चुका था इसके ऊपर एलपीएस, यहाँ पर देखिएगा तो ये संख्या है। इसके अपीलकर्तागण जो है ये पहले ही क्लियर कर चुके थे कि जो लोग पहले से प्रशिक्षित हैं, यानी कि जो बीएड है या डीएलएड है या फिर आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स किए हुए, उनको जुलाई 2014 से ही उनको यहाँ वेतन मिलना चाहिए, ये अपडेट है। अब ध्यान से सुनिएगा, यानी कि ये 2019 में केस करते हैं, है ना, 2019 मामले को लेकर 11 जून 2019 को ये वेतन इनको प्राप्त हो रहा है, ये जो ओझा जी हैं। तो यहाँ पे बता दें कि 2014 से मिलना चाहिए था इनको वेतन, जबकि ये 19 से ही मिल रहा है। तो 5 साल का वेतन का इनका मांग है, ये मेन मोटिव है यहाँ पर अगर देखिएगा तो। अब ज्ञातव्य हो कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक जो है नियमावली 2012, उसके अंतर्गत 1 से लेकर 5 के मूल कोटि के शिक्षकों को, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के शिक्षक हैं, है ना, शिक्षकों के नियोजन में न्यूनतम जो योग्यता के रूप में उस समय बीएड के आधार पर नियोजन किए जाने का प्रावधान नहीं था। तो उस समय जो है 1 से 5 के लिए भी नियम नहीं था कि 1 से 5 में जो है बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएड योग्यताधारी आवेदकों द्वारा मूल कोटे के नियोजन हेतु अप्रशिक्षित श्रेणी में उनका आवेदन लिया गया, है ना, उनका किया गया, यानी कि उन्होंने विदाउट बीएड आपने अप्लाई किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप बीएड हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा इन 1 to 5, ठीक है, ये उस समय का नियम था 2012 का, ठीक है।
अब यहाँ पर याचिकाकर्ता श्री सत्येंद्र कुमार ओझा ने इसी श्रेणी के शिक्षक भी हैं, यानी कि अप्रशिक्षित शिक्षक है वो। अगर उनका ज्वाइनिंग देखिएगा तो वो बीएड किए हुए थे लेकिन बीएड से वो ज्वाइनिंग नहीं लिए थे, लेकिन वो अप्रशिक्षित शिक्षक कहला रहे थे, और यानी कि विदाउट बीएड उन्होंने अपना ज्वाइनिंग किया था। अब देखिए जो मामला छठा है यहाँ पे कि बिहार पंचायती प्रारंभिक शिक्षक जो नियमावली 2012 है इसके खंडिका 5 में अंकित है कि एनसीटी यानी कि जो आपका स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता धारण निर्धारित करता है वो 2001 के नियमावली के अनुसार समय समय पर संशोधित कर सकता है, जिसके अनुरूप यहाँ पे अनुसार 3 सितंबर 2001 अथवा उसके बाद नियोजित बीएड योग्यता रखने वाले कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होना आवश्यक होगा। अब मैटर समझिएगा यहाँ पे कि ये अब क्या कह दिया गया कि 2001 में ही एक नियमावली बनी थी जो कि एनसीटीई ने इसको गाइडलाइन में डाला था कि 2001 के विनियम के अनुसार आपका 1-5 में अगर आप शिक्षक हैं तो एनसीटीई कहता है कि आपको 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण लेना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैटर तो इनको पता था। फिर उसके बाद याचिकाकर्ता जो है सत्येंद्र कुमार ओझा जी और बनाम भारत संघ एवं अन्य में गए, यानी कि 2018 में ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। 3 अक्टूबर 2018 को पारित न्यायाधीश के आलोक में विभागीय संख्या जो है ये देख सकते हैं 9 जनवरी 2019 के से वर्ग 1 से 5 में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ही प्रशिक्षक वेतन आपको अनुमान किया जाएगा। यानी कि 2019 जनवरी, ये ध्यान रखिएगा, 2019 जनवरी में एक आदेश आया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप 1 से 5 के लिए अगर आप वेतन पाना चाहते हैं, आप बीएड योग्यताधारी हैं, तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स होना चाहिए, तभी आपको वेतन मान का अनुमान यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये तो ऑलरेडी 2008 में ही बीएड थे, प्रशिक्षित थे, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग जो हुई थी ये 2014 में हुई थी, और 2014 में हुई होने के उपरांत यहाँ पे इनका क्या था कि ये अप्रशिक्षित के रूप में नियुक्त हुए थे, ठीक। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम तो प्रशिक्षित है ही, तो अपना इन्होंने डॉक्यूमेंट लगा दिया, तो यानी बीएड भी लगा दिया वहाँ पे योग्यताधारी, यहाँ पे जब दिया गया कि आप बीएड लगा सकते हैं तो इनका बीएड भी था और 6 महीने का इन्होंने NIOS से अपना ब्रिज कोर्स भी किया हुआ था। तो उस स्थिति में यहाँ पर देखा जाए तो इनका तो वेतन बनना जरूरी था, होना चाहिए। याचिकाकर्ता ओझा जो है यहाँ पर NIOS द्वारा 6 माह का ब्रिज कोर्स भी मार्च 2019 में निबंधित होकर 11 जून 2019 को सफलतापूर्वक ये पूर्ण कर लिए थे, और यहाँ पर इनके द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। यानी कि याचिकाकर्ता यह कथन है कि उन्हें जो ब्रिज कोर्स की उत्तीर्णता है 2019 जून के प्रशिक्षित का वेतन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, 19 से, लेकिन उनको जो ये ALPA है ना 2013 वाला, जो कि अपील कर्तागण का सदस्य में उन्हें देखा जाए अगर, तो प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि जो है उनका 2014 से ही है। तो जो प्रशिक्षित जो है प्रशिक्षित का जो वेतन मान उनको अब मिलना चाहिए 2014 से, यानी कि 5 साल का ये वेतन का अगर देखा जाए तो मोटा मोटी बात कर रहे हैं। इस परिस्थिति में ये सारा मामला है दोस्तों। तो इसके इस सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो है मामला यहाँ पर लिख दिया गया है नियोजित शिक्षकों के बारे में। तो इनको वेतन मान को लेकर जो भी अपडेट है कि उपयुक्त तथ्यों के आलोक में याचिकाकर्ता जो है सत्येंद्र कुमार ओझा, उनकी नियुक्ति जो है 2014 से प्रशिक्षित वेतन अनुमान्य किया जाता है, इस अधिमत के साथ मामले को निरस्त किया जाए, यानी कि पूरा मामला ख़त्म किया जाए और इनको 2014 से वेतन दिया जाए, यानी कि 5 साल का वेतन इनको मिलेगा। ये सारा अपडेट है। और यहाँ से दोस्तों आपको बता दें कि 1 नवंबर से सरकार जो है बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों का वेतन मान जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, तो हो सकता है इसको इनका बेनिफिट यहाँ पे मिले। तो ये पूरा मामला था। और जो भी ऐसे शिक्षक हैं जो 2014 से ज्वाइनिंग है लेकिन उनको सैलरी जो है उनका 2019 से मिल रहा है, तो वो 5 साल का वेतन लाभ उठाने के लिए भी यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।